नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में होने वाले बैंकिंग सेक्टर के दो बड़े एग्जाम्स, अगर मैं बात करूँ SBI PO की और MBBS PO की, तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है और कौन सा इनमें से बेटर यहाँ पर है। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैम क्यों SBI अलग होकर एग्जाम लेता है, वो है तो PSU बैंक, फिर भी अलग होकर अपना खुद का कंडक्ट करता है वो एग्जाम, तो ऐसा क्यों, कौन सा टफ रहता है, कौन सा ईजी रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, किसमें ज्यादा सैलरी मिलती है, सारी चीजें, ये बहुत बेसिक बेसिक सी पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे लेकर आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलिए कुछ इसी बारे में हम वीडियो पर डिस्कशन लेंगे कि क्या है बेसिकली डिफरेंस SBI PO और IBPS PO के बीच में, अगर मैं बात करूं तो एंड तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक और PDF सबसे पहले आप लोग को मिल जाए, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग को पता चल जाए। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको सबसे पहले इसकी लिंक और PDF मिल जाएगी, ठीक है। जो भी हम करंट अफेयर्स के सेशंस करते हैं, हम लाइव सेशंस जो करते हैं, और साथ ही साथ जो हम यहाँ पर इलैबोरेटिव वीडियोस चाहते हैं, सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम के थ्रू। वहां पर हम आप डेली 10 MCQs भी डिस्कस करते हैं दोस्तों, ताकि आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है वो भी अपडेटेड फॉर्म में आपके साथ चलती रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते बात करते हैं दोस्तों इस पूरे वीडियो में। इट इज अ वेल एस्टैब्लिश फैक्ट दैट SBI PO एग्जाम इज द मोस्ट lucrative of all the bank exams that are taken in the country. The profile of an IBPS PO is equally soft after very similar that of SBI PO. दोस्तों अगर मैं बात करूँ SBI PO एग्जाम की और IBPS PO एग्जाम की, तो एक बात ध्यान रखना, IBPS PO एग्जाम में बाकी के बचे 11 जो आपके PSU बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर के जो बचे हुए 11, जैसे आपको पता है आज की डेट में हमारे पास 12 PSU बैंक है, जिसमें से एक है SBI और 11 जो IBPS के अंडर आकर अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वैकेंसीज के थ्रू। लेकिन SBI हमेशा अपना एग्जाम, भले क्लर्क का हो वो या फिर PO की बात करूँ, अलग ही लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर हमेशा से मैंडेट है कि SBI वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये अपना एग्जाम खुद ही यहाँ पर कंडक्ट कराता है। और दूसरी बात ये, इसका थोड़े से यहाँ पर कुछ टर्म्स भी अलग रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टफ पड़ता है SBI PO का एग्जाम एज कम्पेयर टू IBPS PO, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो। और पर्क्स और वैकेंसीज और सॉरी पर्क्स और सैलरीज में भी यहाँ पर SBI PO ही थोड़ा सा ऊपर रहता है IBPS PO से दोस्तों, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पर रहती है, एक वेरी सिमिलर है, बहुत सिमिलर, मतलब आप ये मान के चलिए 95% सिमिलर है, बट वो 5% एक थोड़ा सा बड़ा मैटर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, बिटवीन IBPS एंड SBO मेनली लाइज इन टर्म्स ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट, सैलरी एंड द वर्क एनवायरमेंट। तो ये तीनों पैरामीटर पर आज हम डिस्कशन लेने वाले हैं कि करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, सैलरी और वर्क एनवायरमेंट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे, इन तीन पैरामीटर पे इन दोनों को नापेंगे दोस्तों। टू गिव यू अ क्लियर इनसाइट टू एसेंशियल डिटेल्स अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल, वर्क एनवायरमेंट, सैलरी, पर्क्स, प्रमोशन ऑफ बोथ दीज पोस्ट विच वी आर शेयरिंग विद यू ऑल कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑल दीज वर्क्स रिलेटेड टू एस्पेक्ट्स, राइट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे, इनके बारे में पूरी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए फिर बात करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर पर, ठीक है। सिलेक्शन का जो क्या प्रोसीजर है, तो सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है दोस्तों कि IBPS PO का एग्जाम और SBI PO का एग्जाम इज नियरली आइडेंटिकल, बहुत सिमिलर एग्जाम है दोनों का, नियरली आइडेंटिकल, 95% ऑफ सिमिलर इसको मान लीजिए, ठीक है। एंड बोथ इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय आर 3 or 4 स्टेज प्रोसीजर, बोथ IBPS एंड SBI PO रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बिगिन विद प्री टेस्ट, दैट इज योर एग्जाम्स प्रिलिमिनरी टेस्ट। देखिए आप गौर से सुनिएगा, हम सबसे पहले SBI PO की बात करेंगे, ठीक है। SBI PO में भी यहाँ पर आप लोग के 3 स्टेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा लिख दिया गया, देखो SBI PO इज टफर इन कंपैरिजन एज IBPS PO, जो मैंने पहले आप लोग को बात बताई थी। इवन एज अ फैकल्टी और एज अ एडुकेटर मैंने ये चीज देखी है दोस्तों, बच्चों को SBI का एग्जाम देना थोड़ा टफ लगता है, और टफ होता भी है इसका एग्जाम, ठीक है, एज कंपेयर टू IBPS, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखो सबसे पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, जो प्री एग्जाम्स हम बोलते हैं, दूसरा यहाँ पर होता है मेंस एग्जाम, और इसमें एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पर होता है। पहले मेंस मतलब जो ये होते हैं MCQs, ये सारे CBT बेस्ड, लेकिन मेंस में दोस्तों एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आता है, ठीक है, ऐसे राइटिंग वगैरह रहता है, तो वो चीज़। तीसरा यहाँ पर रहता है दोस्तों ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। SBI PO के एग्जाम में इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप एक्सरसाइज मतलब GD भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है और इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। और ये पूरा जो
पैटर्न है प्रीक और मेंस का ही ऑब्जेक्टिव बेस मतलब एमसीक्यू बेस यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ आईबीपीएस पीओ की दोस्तों, ये भी 3 स्टेजेस में होता है, सेम चीज है बिल्कुल। प्री रहता है, मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें भी रहता है और यहाँ पर भी इंटरव्यू रहता है, लेकिन यहाँ पे जीडी नहीं रहता है, यहाँ पे जीडी नहीं रहता, ये ध्यान रखना है ना। तो एसबीआई जीडी भी डिस्कशन लेता है और इंटरव्यू भी लेता है, और इंटरव्यू इसका टफ रहता है दोस्तों एसबीआई पीओ का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर ये डिफरेंस है। देखो कुछ तो रिटर्न डिफरेंस मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी, कुछ यहाँ पर जो मैंने खुद ने पर्सनली यहाँ पर दोस्तों बच्चों से जो ग्रैप किया चीजें, बच्चों के जो मतलब उनके जो रिएक्शंस थे, उन्हें जो समझा ऑब्जर्व किया, उस पर मैंने यहाँ पर आपको ये बताई है कि एस बी आई पी ओ समवॉट टफर देन आई बी पी एस पी ओ, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर रहती है, लेकिन पोस्ट दोनों की सेम ही है, प्रोबेशनरी ऑफिसर ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर को हमने यहाँ पर देख लिया। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, नंबर टू यहाँ पर हो जाएगा। जॉब प्रोफाइल यहाँ पर क्या रहती है प्रोबेशनरी ऑफिसर की, तो ये देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क एज प्रोबेशनरी ऑफिसर इन कस्टमर सर्विस। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट दैट इंक्लूड सॉल्विंग क्वेरीज ऑफ कस्टमर्स दैट विजिट अ ब्रांच बैंक ब्रांच और वेरियस सर्विसेज लाइक अवेलिंग लोन्स, ओपनिंग न्यू अकाउंट्स, डिपॉजिट, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, एटीएम सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग। देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊँ, पीओ जो होता है ना दोस्तों, वो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको है ना मतलब एकदम बैठा के बस अब बस वो एकदम सीट पर बैठा काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। उसको सब चीज़ें सिखाई जाती है बैंक की, ठीक है, मतलब लोन कैसे पास होता है, पासबुक कैसे इशू करोगे, चेकबुक कैसे इशू करोगे, किसी की कोई क्वारी है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, डिपॉजिट लेंडिंग के बीच में तुम किस तरीके से तालमेल बैठाओगे, वो वाली चीज़, एटीएम सर्विसेज कैसे, किसी की ब्लॉक हो जाता है, किसी का नहीं चलता है, ठीक है, उसके बाद तो आजकल वो भी आ गया, क्या बोलते हैं आपको, जैसे ऑनलाइन जो इंटरनेट पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब जितना भी काम होता है बैंक में वो सब एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को आना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम सर्विस, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक, अकाउंट डिटेल, लेंडिंग, डिपॉजिट, सारी चीज़, न्यू अकाउंट ओपन कैसे करोगे, जो अकाउंट मतलब मान लो कि बहुत साल तक यूज़ नहीं किया गया उसको कैसे तुम वापस मतलब मेंटेन करोगे, मतलब क्लोज हो जाता है वो, डॉर्मेंट हो जाता है, उसको वापस कैसे चलाओगे, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर को सीखनी पड़ती है। सिंस पीओ आर डायरेक्टली एंगेज इन कस्टमर हैंडलिंग, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद ड्यूटीज टू एड अ न्यू बिजनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ऑफरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक एफडी, आरडी, डीमेट अकाउंट्स एग्जिस्टिंग टू न्यू कस्टमर्स। देखो सिर्फ काम यही खत्म नहीं होता, अब बैंक है तो प्रॉफिट कर तो देना ही पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो बैंक को प्रॉफिट किससे होता है, किससे होता है भाई, फिक्स डिपॉजिट वगैरह से हो जाता है, आरडी वाडी से होता है, लोन से हो जाता है, डीमेट अकाउंट खुलवाओ जो शेयर मार्केट के लिए होता है, डीमेट अकाउंट जिससे तुम ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मैंने पढ़ाया है आप लोग को उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ये भी एक फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है पीओ को। अपार्ट फ्रॉम दिस पीओ इज़ ऑल्सो एंगेज इन मैनेजिंग अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स, कैश हैंडलिंग एक्टिविटीज़ लाइक कैश डिसबर्सल, कैश कलेक्शन फ्रॉम कैशियर एज वेल एज क्लियरेंस ऑफ द पेमेंट्स। इतना ही नहीं, शाम 4 बजने के बाद पीओ अब क्या करेगा, जब सारे कलेक्शन हो जाएगा तो फिर कैशियर के पास जाकर उसको क्रॉस चेक करेगा कि किसी तरीके की गड़बड़ तो नहीं है, 15,000 जमा है उसे 10,000 लिए ऐसा तो नहीं है, 15,000 दें थे 20,000 दे दिया ऐसा तो नहीं है, कैश को किस तरीके से कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में डिसबर्स करना है, ये सारी बात। तो पीओ है ना दोस्तों सब चीज़ें सीखता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। ए पी ओ हैव टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ क्लर्क एंड ऑल्सो इन द प्रेस ड्यूरिंग प्रेशर आवर्स, सम अदर वर्क्स इंक्लूड्स पेमेंट क्लियरेंस, मेंटेनेंस ऑफ रिपोर्ट्स, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ओवरऑल बैंक में जितना भी आप लोगों का काम रहता है वो सब प्रोबेशनरी ऑफिसर सीखता है दोस्तों, उसके बाद ही वो जीएम डीएम ये सब बनता है। पहले स्टेज क्या है कि वो प्रोबेशनरी ऑफिसर बनेगा, उसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे सिचुएशन में कैसे काम करना है। अगर मान लो कि सीधा उसको जीएम बना दे, उसको जाता जाता ही नहीं है ना, उसको कस्टमर हैंडल करना आता है, ना उसको क्वारी सॉल्व करना आता है, ना उसको चेकबुक इशू करना आता है, फिर क्या मतलब। तो यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर का हर काम यहाँ पर रहता है, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को 5 पॉइंट में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं कि सैलरी में क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो एस बी आई पी ओ की जो सैलरी है दोस्तों, बेस्ट इन क्लास कॉम्पनसेशन पैकेज आते हैं इनके, ठीक है। देखो प्रोबेशनरी ऑफिसर वुड बी मिनिमम 7.55 लाख रुपीज पर एनम, मैक्सिमम ऑफ 12.93 लाख डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड अदर फैक्टर्स। मेट्रोपॉलिटन में अगर पोस्टिंग हो रही है अलग होता है, रूरल में पोस्टिंग होती है तो अलग होता है, ठीक है, इस हिसाब से होता है। बेसिक पे क्या है, 27,620 रुपये। मोर ओवर एस बी आई पी ओ इज पेड फॉर एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स एट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बोनस इन्हें यहाँ पर बोलते हैं, जब भी कोई ज्वाइन करता है ज्वाइनिंग बोनस उसे दिया जाता है। एंड द सैलरी फॉर एस बी आई पी ओ रुपीज 6,000 हायर
हायर देन द पीओ इन अदर बैंक्स, समझ रहे हो आप बात को? तो आईबीपीएस पीओ भी जो बन रहा है ना, उससे जो पीओ बन रहा है उससे ज्यादा सैलरी होती है एसबीआई पीओ की, मतलब कुछ परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ बेसिक सैलरी 23,700 विदड्रॉ कर रहा है, तो यहीं पे देखो ना डिफरेंस आ गया ना, बेसिक पे यहाँ पर 27,000 है, 27,000 प्लस यहाँ पर आ गया 23,000 प्लस, है ना। यू ऑल्सो गेट एंटाइटल टू मेनी अदर अलाउेंस लाइक एच आर ए डी ए स्पेशल अलाउेंस सिटी कंपेंसेटरी अलाउेंस एंड बेसिक सैलरी, राइट। यहाँ पर ग्रॉस पे जो हो रहा है मतलब आपका हाउस रेंट अलाउेंस जो होता है वो 38,703 रुपए के करीब यहाँ पर दिखाने देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर सैलरी की मैं बात करूँ तो एस बी आई पी ओ ही यहाँ पर ज़्यादा सैलरी ऑफर करता है एज कम्पेयर टू आई बी पी एस पी ओ, ठीक है। तो ये आप मतलब अब चीज़ें हैं ना दोस्तों, क्योंकि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बड़ा एग्जाम पास कर रहे हो, तो सैलरी भी उस हिसाब से है, पर्क्स भी उस हिसाब से होती है और इंसेंटिव्स भी उसी हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है जानना। देखो क्या होता है ना दोस्तों, मेरा तो हमेशा ये मानना है कि जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो उस एग्जाम को पहले पढ़ो, पहले जानो कि वो एग्जाम है क्या, एक्चुअल में क्या कहना चाहता है वो एग्जाम, राइट। क्या वो एग्जाम चाहता है कि आप इसके लिए काबिल हो भी कि नहीं हो, अपने आप को पूरा जानो, आंको, उसके बाद ही उस एग्जाम को पढ़ो, खुद पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो पहले, ठीक है। कि आप क्या चाहते थे और क्या सही राह में चल रहे हो आप, एक अच्छा मतलब मान लो कि आप चाहते हो नहीं मेरी सैलरी 30,000 40,000 50,000 60,000 होनी चाहिए, तो फिर आई बी पी एस पी ओ नहीं है, फिर एस बी आई पी ओ के लिए फाइट करो, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आप लोग को दिया है, फाइट तो हमें सभी करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें, हमेशा एस बी आई पी ओ की सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी आई बी पी एस पी ओ से। अगर आगे मैं बात करूँ दोस्तों वर्क प्रेशर और इन्वायरमेंट का, तो ये हमें जानना चाहिए। देखो एस बी आई पी ओ की अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली, एस बी आई इज़ एन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया विद 24,000 ब्रांचेज, ठीक है, पोस्ट मर्जर एंड ऑल्सो लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ए टी एम स्पैनिंग ऑल ओवर इंडिया। इट इज़ फार ग्रेटर पेनिट्रेशन देन एनी अदर बैंक कंस्टिट्यूट्स 50% of the banking services in India after the merger. This apparently gives you a feel of work pressure at SBI. Moreover, SBI is one of the oldest bank, enjoys the loyalty of its customer, right? SBI में आपको काम बहुत मिलेगा दोस्तों। आप तो खुद अगर पर्सनल आप कस्टमर भी हो ना, तो आप जाकर देखते हो, आप बोलोगे मैम वहाँ कहाँ काम होता है, वहाँ तो सब आराम ही करते रहते बैठे बैठे। ऐसा नहीं है, देखो काम इनको करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज हैं और पोस्ट मर्जर के बाद 24,000 ब्रांचेज हैं हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा एटीएम मिलेंगे आपको एसबीआई के। तो वर्क प्रेशर तो यहाँ पर होता है दोस्तों, लापरवाही भी होती है, वर्क प्रेशर भी है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ की मैं बात करूँ तो इट इज़ कंसर्न मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर नॉट एसेसिबल इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में इसके ज़्यादा बैंक आपको मिलेंगे नहीं, है ना, ऐसा चीज़। हैंस द नंबर ऑफ कस्टमर इन दीज बैंक आर लेस कम्पेयर टू एस बी विच रेंडर्स द वर्क प्रेशर रिलेटिवली लेस। ऑब्वियसली अगर आप कोई दूसरा बैंक देखोगे दोस्तों, जैसे पीएनबी की बात कर लूँ मैं, यूको बैंक की बात कर लूँ, एस बी आई से मतलब छोटे ही है ना कहीं ये बैंक है, सब गवर्नमेंट बैंक लेकिन इनका दायरा छोटा है, तो जहाँ ज़्यादा बड़ा बिजनेस रहेगा काम भी वहाँ ज़्यादा रहेगा, ऐसी चीज़ आई बात समझ में तुम्हें। तो ये तो मैंने वर्क प्रेशर और इन्वायरमेंट की बात यहाँ पर आप लोगों से कर ली। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों क्या प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, तो एस बी आई के प्रोज क्या है, देखो बेटर करियर प्रोस्पेक्ट मिलता है, हैंडसम सैलरी आपको मिलती है, सोशल स्टेटस मिलता है और फॉरेन पोस्टिंग्स मिलती है, पूरी बात करते हैं। देखो प्रमोशन इन द एस बी आई मोर फ्रीक्वेंट एज कम्पेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सैलरी पैकेज ऑफ एस बी आई वे अबाउ द अदर पी एस यू बैंक्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द फोर इंक्रीमेंट्स बींग ऑफर्ड टू एस बी आई मेक इट्स पोस्ट हाईली सॉफ्ट आफ्टर, राइट। तो यहाँ पर यह भी है कि जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, चार इंक्रीमेंट भी मिलते हैं अगर आप स्टे करते हो और अच्छा काम करते हो, तो सोशल स्टेटस है यार, एसबीआई में काम कर रहे अपने आप में एक स्टेटस है। और यहाँ पर आपको जो एसबीआई की फॉरेन ब्रांचेस है ना उस पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगी। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा प्रोज है, और दोस्तों ये चार प्रोज मेरे लिए एसबीआई पीओ एग्ज़ाम देने के लिए बहुत है, सच बताऊँ तो मैं तुम्हें एज अ स्टूडेंट मेरे लिए तो बहुत हो जाता है, मतलब मेरी एस्पेक्ट से। कौनस क्या है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स यहाँ पर होते हैं, जो कि एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बात है यहाँ पर, क्योंकि हाई नंबर ऑफ ब्रांचेस है वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स है एस बी आई पी ओ का, कि बहुत ट्रांसफर करता है, मतलब हर 3 महीने में ट्रांसफर होता है यहाँ पर, प्रोविजन ट्रांसफर। अच्छा जो मतलब स्टार्टिंग में कोई नए कर्मचारी ज्वाइन होते हैं ना, तो इनका बहुत ट्रांसफर होता है, इवन खुद को एस बी आई मेरे मैंने घर के पास देखा, रोज मुझे एक नया बंदा देखने को मिलता है वहाँ पर। तो ऐसा रूरल एरिया में पोस्टिंग देंगे आपको, ये भी है, और पुअर वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर्स थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर
कहना चाहूँ कि ऐसा ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग एक्टिविटी बैंकिंग आवर्स में ही होती है। तो यहाँ पर हाँ हो सकता है कि थोड़ा रश के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ जाए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रश बहुत रहेगा, ये बात तो है, रश एनी टाइम यहाँ पर रहेगा, और रूरल एरिया में पोस्टिंग भी रहेगी दोस्तों, ये चीज़ है। तो ये थोड़ा सा SBI का यहाँ पर कॉन्स हो जाता है अगर हम सोचा जाए तो। अब वहीं मैं बात करूँ SBI की प्रोस की, तो लो वर्क प्रेशर है, हैंडसम सैलरी वहाँ पे भी आपको मिल रही है, और जॉब सिक्योरिटी है। हालांकि जॉब सिक्योरिटी तो उसमें भी है, हैंडसम सैलरी वहाँ पे भी मिल रही है, उससे तो ज़्यादा ही, मतलब SBI PO में ज़्यादा ही मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पर लो वर्क प्रेशर है, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ का। यहाँ पे कॉन्स क्या है कि यहाँ पर भी रूरल पोस्टिंग है, और प्रमोशन यहाँ पे नॉट एज फ्रीक्वेंट एज SBI PO, साफ लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये बात है, तो ये था डिफरेंस कि क्यों आप SBI को चुनो, या फिर क्यों आप दूसरे PSU बैंक्स को यहाँ पर IBPS के थ्रू यहाँ पर जाओ। तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल आपको बता दी, क्या SBI में होता है और क्या IBPS में होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियलिटी से ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे 10-20%, 10-20-30% का फर्क हो सकता है, बट ओवरऑल 90-95% चीज़ें ऐसी ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब आपका यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, आपको डिसाइड करना है आप SBI की तरफ जाना चाहते हो या IBPS की तरफ यहाँ पर आप जाना चाहेंगे। अब क्यों आप हमारे साथ जुड़े इसकी बात करेंगे कि वाई अविजन फॉर द प्रेपरेशंस, क्यों अविजन आप लोगों को यहाँ पर हेल्प करेगा, या फिर क्यों अविजन के साथ आप लोगों को जुड़ना चाहिए। देखिए, क्योंकि हम हमेशा एवरी टाइम टाइम टू टाइम यहाँ पर लाइव कोर्सेज की बात करते हैं, और हमारे पास यहाँ पर टॉप फैकल्टी टीम्स हैं जो कि आपको हर वे में हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। डेली स्टडी प्लान यहाँ पर आपको मिलेगा हर वीक, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को एक शेड्यूल मिलेगा कि किस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा और किस हिसाब से आपको पढ़ना है। इवन सैटरडे संडे का जो प्लान है दोस्तों, वो अलग बनता है, क्योंकि वो वीकेंड प्लान होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो बच्चे सैटरडे संडे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग, और जो मंडे मंडे टू फ्राइडे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग। स्टडी मटेरियल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में होगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर है, जो टेस्ट सीरीज है वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहेगी। जो भी टेस्ट सीरीज हम बनाते हैं, या फिर जो भी मॉक टेस्ट हम आप मैं बोलूँ तो आपको हम देंगे, वो बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर रहेंगे। आई बात समझ, लेटेस्ट पैटर्न पर, ऐसा नहीं है कि पुराना वही जो 20 साल पहले से चला आ रहा है वही दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। हर हर 6 महीने में दोस्तों अपडेट होता है हर चीज़ डेली, ठीक है। तो ये चीज़, कंप्लीट डाउट्स रिजोल्यूशन सेशंस आपको मिलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप अपने रेस्पेक्टिव फैकल्टी के पास फेस टू फेस जाकर क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो। अब मैम हम ऑनलाइन है तो क्या होगा, ऑनलाइन हो गए तो दोस्तों आपके लिए मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी जूम पर, या फिर गूगल मीट पर, या फिर जो भी हमारा मोड ऑफ टीचिंग रहेगा। यहाँ पर एक ऑनलाइन हम लोग आपके लिए पोर्टल देंगे, एक डाउट सेशन बोलकर, और वहाँ पर आप और आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी दोनों क्या कर सकते हो, आपस में अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकता है। यहाँ पर रेगुलर असेसमेंट होगा, आपका स्क्रीनिंग होगा दोस्तों, आपका ग्रूम यहाँ पर देखा जाएगा कि हर 3 हफ्तों में या फिर 2 हफ्तों में आपका टीचर टेस्ट लेगा, और उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना आपका प्रिपरेशन अच्छा है या नहीं, आप किसको आपको यहाँ पर कितना और करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पर अविजन आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। विद दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स के सेशंस मिलेंगे आपको यूट्यूब पर, जो कि बिल्कुल फ्री हैं, डेली यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। 10 MCQs हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, और डेली आपको एक बैंकिंग अवेयरनेस और कोई भी हॉट टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। उसके साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको और भी एक्स्ट्रा पर्क्स अगर मैं बोलूँ तो वो मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों आप जुड़ जाइए अविजन के साथ, और अपनी प्रिपरेशंस को, अपने एम को, जो आप सपना अचीव करना चाहते हो उसको और मजबूत कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालूँ दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। और साथ ही साथ फील फ्री टू कमेंट, कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।